अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उज़ैर अहमद और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आपके कोर्स टीवी न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड प्रोडक्शन के लिए। और अगले 45 लेक्चर्स तक हमारा रब्ता रहेगा, हम बात करते रहेंगे। और मैं आपको इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ें, मैं आज आपको बताऊं कि इस सब्जेक्ट में हम लोग बुनियादी तौर पर कौन सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे और इस जो सब्जेक्ट है इसकी अफादियत क्या है मार्केट में जॉब प्लेसमेंट के हवाले से और अपने प्रोफेशनल करियर में, अपने करियर ग्रोथ में इस सब्जेक्ट की क्या अहमियत है। आप जानते हैं कि ये जो इस वक्त दौर चल रहा है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, ये ग्लोबलाइजेशन और इंफॉर्मेशन का दौर है। और इस दौर में जो वर्ड्स हैं ये एक वेपन की हैसियत रखते हैं और सैटेलाइट्स जो हैं ये एक आर्टिलरी की हैसियत रखते हैं। तो पिछली सदी में हमने देखा, पहले हमारे यहाँ ट्रेडिशनल वॉरफेयर था, ट्रेडिशनल वॉरफेयर से हम बढ़े एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ, फिर हमने मॉडर्न वॉरफेयर भी देखा। लेकिन इस वक्त जिस वॉरफेयर का हमें सामना है वो है मीडिया वॉरफेयर। और इसमें आप देख सकते हैं कि पहले डिफेंस हुआ करता था इकोनॉमी के लिहाज से, हैव्स और हैव नॉट्स हुआ करते थे। लेकिन आज के दौर में जब हम ये चीज इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन हैव्स और इंफॉर्मेशन हैव नॉट्स का दौर है कि कौन क्या जानता है, किसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में जहां हम टीवी न्यूज रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे वहां हम प्रोग्राम प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने कोर्स की तरफ चले, थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन करा दी जाए इस सब्जेक्ट के हवाले से कि टेलीविजन की ओवरऑल मैस कम्युनिकेशन के टूल्स में और ओवरऑल मैस मीडिया में टेलीविजन की हैसियत क्या है। हमने पहले एक तस्वीर देखी, उस तस्वीर की बुनियाद एक पेंटिंग थी, पेंटिंग के बाद हमारे पास फोटोग्राफ आया, कैमरा ईजाद हुआ इंसानी आंख के असूल पर काम करते हुए, और फिर उस कैमरे के अंदर जब तस्वीरों ने हरकत शुरू की तो वो मोशन पिक्चर कहलाई, जिसे हमने बाद में मूवी का नाम भी दिया और उसे हमने फिल्म भी कहा। तो बेसिकली आप अगर देखें तो टीवी की बुनियाद वो एक तस्वीर है। और एक चाइनीज प्रोवर्ब मैं आपसे शेयर करता चलूं, वो है कि एक जो तस्वीर है वो हजार अल्फाज पर भारी है, हजार अल्फाज से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर आपको देखने को जो कुछ मिल रहा है वो हजार वर्ड से भी बेहतर है। तो अब मीडिया में जब हम देखते हैं मीडिया के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से लीफलेट से, उसके बाद आपके पास पैम्फलेट्स हैं, आपके पास ब्रोशर्स हैं और आपके पास डेली न्यूज़पेपर्स हैं, आपके पास वीकली जो हैं मैगजीन्स हैं, आपके पास मंथली डाइजेस्ट हैं। उसके अलावा अगर आप पब्लिसिटी मटेरियल की तरफ देखते हैं तो आपको जो शारात पर लगे हुए मुख्तलिफ आपको जो बिल बोर्ड्स नजर आते हैं, जो आपको होर्डिंग्स नजर आते हैं, जो आपको बैनर्स नजर आते हैं, ये सब के सब ये मीडिया टूल्स हैं। और इन मीडिया टूल्स का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, यानी कि इब्लाग करना, किस चीज का मालूमात है और वो आप दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे कि कम्युनिकेशन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक तरफ सेंडर है, एक तरफ रिसीवर है, दरमियान में एक मैसेज है जो एक पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू कुछ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और उसकी मुख्तलिफ अकसाम है जिनमें से एक जो मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है हमारा टेलीविजन। तो अब हम बात करते हैं टेलीविजन की कि टेलीविजन जो है इसके अंदर शोबे कौन कौन से हैं और इसके अंदर हमने इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर उसके बारे में क्या पढ़ना है। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि कोर्स में है हमारे न्यूज रिपोर्टिंग, हम इसमें पढ़ेंगे कि एक जो है न्यूज रिपोर्टर वो किस तरह फील्ड में मूव करता है, वहां जाकर वो किस तरह न्यूज और इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उन्हें लाकर डेस्क पर कंपाइल करता है, कंपाइल करने में उसको एडिटिंग भी उसकी करनी पड़ती है, उसे रीराइटिंग भी करनी पड़ती है, और उसके बाद किस तरह उसको बाकायदा एक शक्ल में फॉर्मुलेट करके उसे एक बुलेटिन की शक्ल में बाद में जो है वो टेलीकास्ट किया जाता है। तो हम एक तरफ इसमें पढ़ेंगे न्यूज रिपोर्टिंग के बारे में कि न्यूज आपने प्रोडक्शन कैसे करनी है, न्यूज रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और हम फिर इसमें प्रोग्राम्स के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि जहां न्यूज और करंट अफेयर्स की अपनी अफादियत है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन हैव नॉट्स की, तो वहां पर मीडिया के कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिनमें इंफॉर्मेशन सबसे पहले आ गया, उसके बाद एंटरटेनमेंट भी एक इसका आस्पेक्ट है, फिर पर्सुएशन है कि ये आपको कुछ अच्छा करने की तरकीब देता है, और उसके अलावा
इंफोटेनमेंट भी है, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन आप देने के साथ साथ क्या कर रहे हैं कि उसको एजुकेट भी कर रहे हैं और एंटरटेन भी कर रहे हैं। तो ये तमाम मीडिया के फंक्शंस हैं जो मीडिया आप लोगों तक पहुंचा रहा है। हम बात करते चलें अब टेलीविजन की, कि टेलीविजन हमारा फैमिली मेंबर की हैसियत इख्तियार कर चुका है। शाम को जब हम सब लोग अपने अपने काम से फारग के बाद बैठते हैं तो टेलीविजन इस तरह होता है जैसे हमारा एक फैमिली मेंबर है, और इस टेलीविजन के हम पर असरात किसी भी मीडियम से ज्यादा हैं। कुछ आपने पढ़ा वो शायद आपको भूल गया, लेकिन जो आपने सुना वो भी आपको हो सकता है कि वो भूल जाए, लेकिन जो चीज आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं उसका इम्पैक्ट आप पर ज्यादा है। साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि टेलीविजन जो है, जिस तरह हमारे पास मैस कम्युनिकेशन के डिफरेंट टूल्स हैं, तो टेलीविजन भी एक हमारे पास चैनल है जिसको टेक्निकली अगर हम देखें तो कहा जाता है टाइम एंड स्पेस ऑर्गेनाइज्ड चैनल। बताता चलूं आपको कि तीन किस्म के हमारे पास चैनल्स होते हैं। एक है टाइम ऑर्गेनाइज्ड चैनल, जब आप रेडियो सुन रहे हैं तो उस पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम के हवाले से हो रहा है। अगर आपको कोई इश्तिहार देना है तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम को खरीदना है, तो रेडियो है टाइम ऑर्गेनाइज्ड चैनल कि जिसके अंदर यूटिलाइजेशन टाइम की होती है। जब हम आते हैं प्रिंट मीडिया की तरफ तो प्रिंट मीडिया में स्पेस यूटिलाइज होती है, इसको हम कहते हैं स्पेस ऑर्गेनाइज्ड चैनल। आप अखबार में देखते हैं कि न्यूज के लिए स्पेस है, और अखबार ने मुख्तलिफ जो एडिशंस बनाए हैं, स्पोर्ट्स के लिए एक अलग स्पेस है, और डेली न्यूज के लिए, डिस्ट्रिक्ट न्यूज के लिए अलग है, और आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के पेजेस आपको अलग मिलते हैं, फाइनेंस, कॉमर्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इन तमाम के लिए डिफरेंट स्पेस जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो न्यूज़पेपर इज बेसिकली अ स्पेस ऑर्गेनाइज चैनल, और वहां पर आपको अगर कोई चीज एडवर्टीजमेंट देनी है तो तब भी आपने क्या करना है कि उसमें आपको एक पर्टिकुलर स्पेस है वो खरीदनी पड़ती है हर कॉलम सेंटीमीटर के हिसाब से या जैसे भी। तो वो अखबार एक स्पेस ऑर्गेनाइज चैनल हो गया, रेडियो एक टाइम ऑर्गेनाइज चैनल हो गया, जबकि टेलीविजन पर आपको टाइम और स्पेस दोनों यूटिलाइज करने हैं। तो इस वजह से इसकी अफादियत बढ़ती है, क्योंकि जहां ये आपकी लिसनिंग कम्प्रीहेंशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है वहां पर ये आपकी विजुअल कम्प्रीहेंशन जो है उस पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इस वजह से टेलीविजन का इम्पैक्ट बाकी टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन से हद दर्जा ज्यादा है, और इसके असरात जो देखने वाला है, जो नाजिर है, जो इसको सुन रहा है, जो इसको देख रहा है, उस पर किसी भी मीडियम से ज्यादा पड़ते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि टेलीविजन आज के दौर में बहुत ही इंडिस्पेंसिबल टूल ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है। अब हम देखते हैं कि इस टेलीविजन में प्रोग्रामिंग के हवाले से कौन कौन सी चीजें आपके सामने आती हैं। अब प्रोग्राम में देखें आप, एक तरफ आपके पास न्यूज है, न्यूज में आपके पास डिफरेंट बुलेटिन हैं, न्यूज बुलेटिन जो हैं उनमें आपके पास रीजनल लैंग्वेज में न्यूज बुलेटिन हैं, आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू में न्यूज बुलेटिन हैं, और अगर आप देखें इंटरनेशनल हवाले से तो हमारे यहाँ जो यूटिलाइज हो रही है वो इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, अब हम आते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। जहां तक न्यूज की बात है वहां तक तो आपके न्यूज डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसके बाद जब व्यूज की बात होती है, जब डिस्कशन की बात होती है, जब कॉमेंट्स की बात होती है, जब पॉलिटिकल एनालिसिस की बात होती है, तो बात न्यूज डिपार्टमेंट से निकलकर करंट अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ आ जाती है, और ये तमाम चीजें करंट अफेयर डिपार्टमेंट करता है। क्या कुछ हो रहा है, हमारे हालात हाजरा क्या कहते हैं, सियासत के उफक पर क्या हो रहा है, मईशत के मामले कैसे चल रहे हैं, ज़राअत में क्या तरक्की हो रही है, हमारे तालीमी मयार में किस तरह हम उसको पस्ती से बुलंदी की तरफ ला रहे हैं, किस तरह हम तरक्की कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जहां पर इंफॉर्मेशन से ज्यादा तबसरा शामिल होता है तो वो करंट अफेयर डिपार्टमेंट है, टीवी प्रोडक्शन के हवाले से जो डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट की तरफ। प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट में आपको पता है कि ये बुनियादी तौर पर एंटरटेनमेंट का है। सुबह से लेकर शाम तक आप अपने काम में डटे रहे, शाम को आपको एक रेस्पाइट चाहिए, आपको थोड़ा सा फुर्सत के लम्हा चाहिए, तो आप शायद जो है बहुत ज्यादा मंतक की इस्तदलाली और बहुत ज्यादा जो है भारी किस्म की बातें सुनने की तबीयत आपकी ना हो रही है, आपका मन चाह रहा हो कि आप उसमें कुछ अच्छा सुन सकें, कुछ म्यूजिक सुन सकें। तो हमारे यहाँ जो तमाम चैनल्स हैं, कुछ तो स्पेसिफाइड चैनल्स हैं,
जो कि सिर्फ न्यूज़ का काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो चैनल्स हैं वो एंटरटेनमेंट पर ही चल रहे हैं, और अगर कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स वो दे रहे हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो शुगर कोटेड अंदाज में आपको एंटरटेनमेंट की शक्ल में दी जा रही है, तो उसको वो इंफोटेनमेंट का नाम देते हैं। तो इन तमाम चैनल्स में प्रोग्रामिंग हो रही है, और प्रोग्राम जो है उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप छोटा सा अगर हम टाइम ड्यूरेशन के हवाले से देखें तो सबसे कम ड्यूरेशन एक रिपोर्ट का होता है, ठीक है, जो 3 मिनट से लेकर और 8-10 मिनट तक हो सकती है। अच्छा, उस रिपोर्ट में क्या है कि आपने कोई इवेंट था, उस पर आप गए और उस पर्टिकुलर इवेंट पर आपने एक रिपोर्ट बना डाली, और उस रिपोर्ट के अंदर आपने बताया कि शहर के अंदर अगर कोई कल्चर इवेंट हुआ है, कोई इसके अलावा कोई ऐसा वाक्या हुआ है जहां पर लोगों की जो दिलचस्पी का बायस बन सकता है, तो आप वहां गए और आपने उस पर्टिकुलर इवेंट की रिपोर्ट बना ली। उसके बाद हम आते हैं कि रिपोर्ट के बाद आपकी एक डॉक्यूमेंट्री होती है। मैं अब आपको टाइम ड्यूरेशन के हवाले से प्रोग्राम डिपार्टमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ चीजें हैं उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपने रिपोर्ट बना ली, डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री आमतौर पर जो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्री होती है उसका ड्यूरेशन जो है वो 15 से 25 मिनट तक होता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री किन किन मौजूदात पर बनती है। डॉक्यूमेंट्री में ज्यादा रिसर्च आपको चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और डॉक्यूमेंट्री इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि डॉक्यूमेंट्री जो है ये एंटरटेनमेंट से कुछ हटकर है, डॉक्यूमेंट्री इज पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। हमारे यहाँ बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, और उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छे तरीके से देखी जाती हैं और बहुत रेवेन्यू भी वो कलेक्ट कर रहे हैं इस हवाले से। अब डॉक्यूमेंट्री के बाद हम चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की मुख्तलिफ इस वक्त शक्लें सामने आ चुकी हैं, और ड्रामा में आप देख लें कि ड्रामा में आपके पास दो मेजर जो हैं वो चीजें हैं, एक आपके पास है ड्रामा सीरीज और एक है ड्रामा जिसे आप सीरियल कहते हैं। सीरियल ड्रामा में क्या होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, एक पर्टिकुलर आपके पास प्ले होता है, उसकी 13 एपिसोड होती हैं, और उसमें एक ही तरह के कैरेक्टर वो उस पूरी स्टोरी को लेकर चलते हैं, और एक क्वार्टर के अंदर आपको वो 13 एपिसोड दिखाई जाती हैं। जबकि ड्रामा सीरीज में ये होता है कि हर दफा हर एपिसोड में स्टॉक कैरेक्टर्स वही रहते हैं, वही कैरेक्टर्स आपको हर एपिसोड में नजर आते हैं, लेकिन उसमें मौजूद बदलते रहते हैं, और हर दफा एक नई कहानी होती है। वो एक सिंगल यू समझे कि एक सिंगल ड्रामा होता है, लेकिन वो कैरेक्टर्स क्योंकि फॉलो करते हैं और वो हर दफा चलते हैं, तो उसको आप ड्रामा सीरीज का नाम दे देते हैं। अच्छा, सीरियल से आगे एक चीज हम आजकल देख रहे हैं मीडिया में हमें बहुत ज्यादा नजर आ रही है, वो है सोप। पहले तो पता हमें ये करना है कि इसको सोप कहा क्यों गया। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका में एक पर्टिकुलर टाइम था जिसमें उन्होंने देखा कि हाउस होल्ड लेडीज जो हैं, जो वो औरतें जो अपने काम पर नहीं जा रही हैं और घर पर रहती हैं, उनके लिए कुछ नया बनाया जाए, उनके लिए कुछ ऐसी ट्रांसमिशन उन्हें शुरू करनी है जिसमें वो उन पर्टिकुलर खवातीन जो कि घर में बैठी हुई हैं, जिनकी कोई ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, उनके लिए बनाया जाए। तो वही टाइम पीरियड जो बच्चों के स्कूल जाने और लोगों के दफ्तर जाने का है, उसके बाद का उनका टाइम पीरियड जिसमें वो घर में ज्यादा मसरूफ है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मुख्तलिफ ड्रामास बनाए गए जिन्हें फोकस किया गया खवातीन के इश्यूज पर, उनके हाउस होल्ड पर, उनकी ब्यूटी टिप्स पर, उनको कुकिंग के हवाले से, और इसके साथ साथ कुछ ड्रामास भी बनाए गए। उन ड्रामास को सबसे ज्यादा जो इश्तिहारात मिले वो डिटर्जेंट पाउडर्स की तरफ से मिले और सोप फैक्ट्रीज की तरफ से मिले। तो वो पर्टिकुलर ड्रामास जो कि खवातीन के इश्यूज पर बनाए गए थे, और उन इश्यूज में फैमिली मैटर्स को ज्यादातर डिस्कस किया गया था, और वो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर हाउस होल्ड खवातीन के लिए बनाए गए, उस ड्रामा को सोप का लफ्ज दे दिया गया कि ये ड्रामा क्योंकि स्पॉन्सर्ड बाय सोप इंडस्ट्री है, तो उसको सोप ड्रामा कहा गया, और आज वो एक मुकम्मल सिर्फ बन चुकी है। और इस पर्टिकुलर ड्रामा में आप देखते हैं कि इसमें 13 एपिसोड्स पर बात खत्म नहीं होती है। आजकल हमारे यहाँ कुछ ऐसे सोप सीरियल्स भी चल रहे हैं जिनकी एपिसोड्स 100+ में भी जा रही हैं। अब इससे आगे की हम बात करते हैं कि हमारे पास ड्रामा के अलावा टीवी प्रोडक्शन में क्या कुछ है। ड्रामा के अलावा हमारे पास है म्यूजिक शोज, हमारे पास है मैगजीन शोज जिसमें आपके टॉक शोज भी शामिल हैं, आप कोई सेलिब्रिटी शो भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे यहाँ कुछ चैनल्स के यहाँ स्पेशलाइजेशन भी पाई जाती है
کہ چلڈرن ڈپارٹمنٹ یا چلڈرن پروگرامس کے لیے کچھ اسپیسیفائڈ پروڈیوسرس ہیں اور ویمن پروگرامس کے لیے بھی کچھ اسپیسیفائڈ پروڈیوسرس ہیں. اس کے علاوہ ایک اور شعبہ جسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے وہ ہے اسپورٹس کا. اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو خیر چند بلکہ گنتی کے کچھ چینلز ہیں جو صرف اسپورٹس اسپیسیفک ہیں, لیکن ہر ٹی وی چینل وہ اسپورٹس کے حوالے سے جہاں اسے خبریں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں تو انہیں اسپورٹس ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنانا پڑتا ہے جہاں پہ وہ مختلف جو ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں ان کو آرگنائز کرتے ہیں اور ان کو ان کی کوریج کے لیے جاتے ہیں. تو یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ایک ٹیلی ویژن سیٹ اپ میں, خاص طور پہ پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ میں, تو جو کہ اسٹارٹ ہوتے ہیں آپ کے پروگرام ڈرامہ سے, اس کے بعد آپ کے پاس ڈاکومنٹری آ گئی, میوزک کے پروگرامس آ گئے, آپ کے پاس ٹاک شوز آ گئے, میگزین شوز آ گئے, اور اس کے بعد آپ نے جو ہیں سیلیبریٹی شوز آج کل بہت زیادہ کیونکہ ہمارے یہاں شو بز سے بہت لوگوں کا جو ہے رابطہ بھی رہتا ہے, لوگ بہت زیادہ کین رہتے ہیں کہ ان کے جو سپر اسٹارس ہیں جو شو بز کے ہیں یا دوسری طرف اسپورٹس اسٹارس ہیں ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں اور وہ کیسے جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں کی انسپریشنز بھی ہوتی ہیں کچھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اخبار کسی کے ہاتھ میں آتا ہے تو شاید ایک نوجوان جو ہے یا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ تر اسپورٹس کی پیجز کی طرف دوڑتا ہے یا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس شو بز کے جو خبریں ہیں. تو اس طرح سے مختلف سیلیبریٹی شوز جو ہیں وہ آپ کو مختلف چینلز پر نظر آتے ہیں اور وہ تمام کی تمام چیزیں انٹرٹینمنٹ میں آتی ہیں. انفارمیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے یہاں کچھ چینلز ایسے بھی ہیں جو مختلف جہاں ڈاکومنٹری میں انویسٹیگیشن بھی شامل ہے وہاں انفارمیشن بھی شامل ہے, لیکن کچھ شوز ایسے بھی ہیں جو ٹوٹلی انفارمیشن بیسڈ ہیں اور جس میں آپ کو کسی نہ کسی ایشو کے بارے میں کسی نہ کسی معاملے کے بارے میں کوئی ایسا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم سب لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے تو اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو پرٹیکولر انفارمیشن بھی دی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں جو سرکاری محکمے ہیں ان کے جو ہیں ان میں کیا کچھ کام آپ لے سکتے ہیں, وہ عوام کی خدمت کس طرح کر رہے ہیں, اگر کوئی ادارہ ہے نیدرا جیسے ایک ادارہ ہے تو وہاں سے آپ کو پرٹیکولرلی اگر آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے تو اس کی آپ کو تمام انفارمیشن پروگرام میں دی جا سکتی ہے. اور عام طور پہ یہ کام اسٹیٹ آن چینل جو ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس کو اکنالج کرنے کے لیے اور ان کی پرفارمنس ریکگنیشن کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس کچھ پروگرامز ایسے بھی ہیں جو انفارمیشن بیسڈ بھی ہیں اور اس میں تھوڑا سا آپ کو انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو بھی اور آپ کو تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی اس میں نظر آتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ پروڈکشن کی فیزز کیا کیا ہیں, کسی بھی پروگرام کی تیاری کے کیا کیا مراحل ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیزز ہیں کون کون سی. ایک ہے پری پروڈکشن فیز, پھر ہے پروڈکشن فیز, اور اس کے بعد ہے پوسٹ پروڈکشن فیز. پری جیسے نام سے ظاہر ہے پہلے, پروڈکشن سے پہلے کی فیز ہے. یہ آپ اسے لائبریری ورک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ریسرچ ہوتی ہے, اس میں آپ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں کسی بھی پروگرام کے بارے میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور اس ریسرچ پر ان معلومات پر کو بنیاد بنا کر آپ ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں. اچھا, ایز اے پروڈیوسر یا ایز اے رپورٹر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکرپٹ بھی خود لکھیں اور آپ ریسرچ بھی خود کریں. ہم جب ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ پر ذمہ داریاں پروڈکشن کی کیونکہ زیادہ ہوتی ہیں, تو آپ ایک ریسرچر ہائر کر سکتے ہیں جو مختلف بکس سے مختلف سورسز سے جو ہمارے یہاں پریویلنگ سورسز آف انفارمیشن ہیں ان سے وہ ایک پرٹیکولر ٹاپک پر آپ کو تمام معلومات اکٹھی کر کے دے سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا ریسرچر جو ہے وہ ایک اچھا لکھاری نہ ہو, اچھا رائٹر نہ ہو, تو آپ ایک رائٹر بھی ہائر کر سکتے ہیں, وہ ان تمام الفاظ کو اچھے پیرائے میں اچھی طریقے سے بیان کر کر وہ ایک اسکرپٹ کی شکل میں آپ کو دے سکتا ہے. اور وہ اسکرپٹ جو ہے وہ آپ اپنے کمپیئر کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اور وہ جو کمپیئر ہے وہ کسی بھی ٹاک شو میں جو میگزین شو کر رہے ہیں جو کوئی سیلیبریٹی شو کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ استعمال کر کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس میں سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو ٹاک شو کے حوالے سے بتا رہا تھا, لیکن جب ہم آتے ہیں ڈراما پروڈکشن کی طرف تو اس میں ایک طرف تو آپ کا اسکرپٹ ہے, آپ کو کیونکہ ہر ایپیسوڈ کا علیحدہ اسکرپٹ چاہیے, سین بائی سین اس کا اسکرین پلے ہے اور وہ کسی اچھے سے آپ پلے رائٹ سے لکھواتے ہیں, کوئی اچھا سا آپ کے پاس لکھاری ہے جو آپ کو بہت اچھا اسکرپٹ لکھ کر دے رہا ہے. اور اچھے لکھاری کی جو ہے بات یہی ہے اس کے اسکرپٹ میں کہ وہ اسکرپٹ اس قسم کا اتنا کمپریہنسو اور اتنا ڈیٹیل لکھے
कि उसमें डायरेक्टर को जो है स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद लोकेशन सिलेक्ट करने में आसानी हो, वो उसमें वक्त भी लिखता है कि सीन का, पर्टिकुलर सीन का वक्त क्या है, उसमें करेक्टर्स कितने हैं, और वो लोकेशन थोड़ी सी गाइडलाइन भी प्रोड्यूसर को देता है कि वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पर ये सीन रिकॉर्ड कर सकता है। तो ड्रामा के मामले में कास्टिंग भी एक बहुत अहम पहलू है जो प्री प्रोडक्शन फेज में बहुत जरूरी है। और उस कास्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्रामास में हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स कास्ट करने हैं, आपने उसमें हीरो किसको लेना है, हीरोइन किसको लेना है, इसे हम लीड भी कहते हैं, सेकंड लीड भी कहते हैं, और फिर उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी एक बाइफरकेशन है, कुछ मेजर आर्टिस्ट हैं, मेजर कैरेक्टर्स हैं, कुछ माइनर्स हैं और कुछ सपोर्टिव होते हैं। तो ये तमाम चीजें, ये एक प्रोड्यूसर का काम है कि वो कास्टिंग करे, और साथ साथ फिर उसने तैयारी करनी है, लोकेशन पर भी जाना है और उसने सर्वे करना है। अगर वो इंडोर कर रहा है तो उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि उसने सेट डिजाइनर से मिलकर सेट कैसा डिजाइन करवाना है, उसको कौन से सीन्स की डिमांड के मुताबिक, और जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इंडोर है वो एक ऑफिस का सेट लगाना है, एक ड्राइंग रूम बनाना है, या आपने कोई क्लासरूम शो करना है, तो वो तमाम चीजें प्री प्रोडक्शन फेज में आपका ताल्लुक सेट डिजाइनर से होता है। सेट डिजाइनर आप, और एक तरफ आपके पास राइटर है जो आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा है, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक आप सेट डिजाइन करवा रहे हैं, फिर आप कास्टिंग कर रहे हैं, और तमाम रिहर्सल्स में भी आप देख लें कि आपने आर्टिस्ट को बुलवाना है, बुलवाकर उनको उनकी लाइंस जो है, उनके जो करेक्टर्स हैं उसके मुताबिक उन्हें परफॉर्म करवाना है, ताकि रिकॉर्डिंग के दिन उनको वो थोड़े से यूज टू हो, उन्हें मालूम हो कि उनकी क्या क्या मूव्स हैं, क्या क्या उनकी लाइंस हैं, और आपको रिकॉर्डिंग के दिन ना आपके वक्त का ज़्यादा हो, ना ही आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये ड्रामा के हवाले से आपको प्री प्रोडक्शन फेज में करना पड़ता है। अच्छा, कुछ और चीजें हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, तो यहां मैं आपको एक चीज क्लियर करता जाऊं कि एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर में फर्क क्या होता है। एक जो डायरेक्टर है वो कैप्टन ऑफ द शिप है, वो मास्टरमाइंड है किसी भी प्रोडक्शन के बैक पर। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम उसे प्रोड्यूसर भी कह देते हैं। जहां हमारे यहां इंडिपेंडेंट या प्राइवेट प्रोडक्शन है या फिल्म में प्रोड्यूसर का मतलब है एक फाइनेंसर, जो सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, बजटिंग कर रहा है, बता रहा है आपको कि ये मेरा सरमाया है और मैंने इसको इस जगह, इस पर्टिकुलर जो है उस पर प्रोजेक्ट पर मैंने खर्च करना है। तो प्रोड्यूसर इज ओनली अ फाइनेंसर, और मास्टरमाइंड जो है वो एक डायरेक्टर होता है। अच्छा, ये तो हो गया फिल्म के सीन में, फिल्म के सिनेरियो में और प्राइवेट प्रोडक्शन में। लेकिन अगर हम देखते हैं हमारे यहाँ जो चैनल्स में काम हो रहा है, हमारे यहाँ जो बाकी जगहों पर काम हो रहा है, जो सरकारी सतह पर हो रहा है, तो वहां पर हम इसे प्रोड्यूसर का जो है टाइटल देते हैं, क्योंकि उसने प्रोग्राम बजट भी बनाना होता है, और प्रोग्राम बजट में भी दो चीजें होती हैं, हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोग्राम बजट एस्टिमेट जो प्रोग्राम बजट से पहले दिया जाता है, और फिर प्रोग्राम बजट प्रपोजल जो कि उस पर्टिकुलर एपिसोड की रिकॉर्डिंग के वक्त दिया जाता है, ताकि उसके मुताबिक तमाम कैरेक्टर्स को, तमाम टैलेंट को, टैलेंट भी मैं बताता चलूं, टैलेंट वो लोग हैं जो बिलवास्ता या बिलावास्ता आपकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो ऑन स्क्रीन भी हो सकते हैं, जिनमें आपके आर्टिस्ट शामिल हैं, जिनमें आपके जो है न्यूज कास्टर शामिल हैं, न्यूज एंकर्स शामिल हैं, रिपोर्टर्स, क्योंकि वो तो पहले ही पे रोल पर हैं, तो उन लोगों को जो डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन वो आपके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनको आप जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट भी आपकी सारी बजट के हवाले से होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर ये तमाम चीजें मेंटेन करता है, तो उसको डायरेक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। अब हम आते हैं कि इस प्रोड्यूसर ने प्री प्रोडक्शन फेज में तो ये तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। रिकॉनेसेंस एक लफ्ज है, रिकॉनेसेंस मीन्स नेविगेशन, तलाश, खोज। जब आपने आउटडोर रिकॉर्डिंग करनी है तब आपको इस चीज का सामना करना पड़ता है कि आपने किन किन लोकेशंस पर जाना है और कहां कहां जाकर आपने क्या काम करना है, तो इसे हम रिकॉनेसेंस कहते हैं या तलाश कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं, और उसको शॉर्ट फॉर्म में रेकी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोड्यूसर अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले, डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग से पहले, उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर जाकर उसने रिकॉर्ड करना है, कोई अगर हिस्टोरिकल प्रोग्राम है, लाहौर फोर्ट पर कोई प्रोग्राम किया जा रहा है, लाहौर की मोन्यूमेंट्स पर कोई किया जा रहा है, और या आप किसी भी आप कटास रात जा रहे हैं किसी मोन्यूमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए, आप किला द्रावड़ पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं,
آپ ساحل سمندر پر کراچی جا کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ناردرن ایریاز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, آپ کو ٹریول گائیڈ بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ بجائے کہ پروڈکشن کرو ہے اس کو لے کر آپ جا رہے ہیں, اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے ٹائم کی بھی اور میکینکس کی بھی تمام چیزیں, تو آپ جائیں اور وہاں پر جا کے اپنے شوٹنگ اینگلز, ریکی میں کام ہی یہی ہے ایک پروڈیوسر کا کہ پروڈیوسر اس پرٹیکولر لوکیشن پر جا کر اپنے شوٹنگ اینگلز ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے جب کیمرا کرو کے ساتھ آنا ہے, جب میں نے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے تو میں نے وہ ایک اپنا سٹوری بورڈ بھی بنا لیتا ہے, ایک ورک شیٹ فلو چارٹ بنا لیتا ہے اور اس کے مطابق وہ ریکارڈنگ کرنے میں اسے آسانی دیتی ہے. تو اس لیے ریکانیسنس یا ریکی بہت ضروری ہے کسی بھی پری پروڈکشن فیز میں. اچھا یہ تو تمام چیزیں تھیں جو کہ پری پروڈکشن فیز میں اس نے کرنی ہے. اب ہم اس کے بعد جو ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے بھی وہ ہے پروڈکشن فیز, اور پروڈکشن فیز میں آپ کو کیا چاہیے, آپ کو ریکارڈنگ کرنی ہے اس پرٹیکولر ایونٹ کی. ایونٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹ کین بی ڈراما, اٹ کین بی ڈاکومنٹری, اٹ کین بی میگزین شو, اٹ کین بی روڈ شو, اٹ کین بی ٹاک شو اور اینی تھنگ, وٹ ایور یو ہیو ٹو ریکارڈ, جو آپ کو اسائنمنٹ ملی ہے یا جس پروجیکٹ پر آپ کام کر رہے ہیں. اور ریکارڈنگ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یو بینگ ڈائریکٹر یو ہیو ٹو بی دیئر, آپ کے ساتھ ایک عدد کیمرہ مین, آپ کے ساتھ ایک عدد لائٹ مین, آپ کے ساتھ ایک عدد آڈیو انجینئر جسے ہم بوم آپریٹر بھی کہتے ہیں, وہ ضروری ہے. آپ ایک ٹیم لیڈر ہیں, شارٹ جو آپ کو بنا کر دے رہے ہیں, جو ویڈیو بنا کر دے رہے ہیں, وہ ایک کیمرہ مین بنا کر دے رہے ہیں. آڈیو کوالٹی مینٹین کون کر رہے ہیں, اس کا چیک کون رکھ رہے ہیں, وہ ایک آڈیو انجینئر ہے. اور تمام جو آپ کے کریکٹرز ہیں ان پر لائٹس, لائٹنگ کنٹرول کس کا ہے, وہ سب چیزیں مینٹین کی جا رہی ہیں ایک لائٹ مین کی طرف سے یا لائٹنگ ڈائریکٹر. کیونکہ آپ جب ڈراما بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک سینئر کیمرہ مین یا ایک علیحدہ سے آپ کو لائٹنگ ڈائریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ تمام سیٹس کی لائٹس جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے. اور اس کے ساتھ آپ کرو میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی شامل کر سکتے ہیں, اور وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک پروڈیوسر جو ہے وہ کیونکہ مینٹلی بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے, تو فزیکل ورک کے لیے آپ کو ایک عدد اسسٹنٹ پروڈیوسر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کی پروڈکشن کے حوالے سے, آپ کے ٹیلنٹ سے ملنے کے لیے, ان کو پرٹیکولر اسکرپٹ دینے کے لیے, فلور مینج کرنے کے لیے, کیونکہ فلور مینجمنٹ جو ہے یہ بھی ایک مکمل ایک شعبہ ہے. جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں پینل پر, آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تو فلور پر کس کریکٹر کی کس وقت انٹری ہے, اس کو کیو دینا, اس کو بلانا اور اس کو سٹینڈ بائی کرنا, نیکسٹ سین کی تیاری کرنا اور یہ تمام مراحل, کیونکہ آپ بار بار اسٹوڈیو نہیں آ سکتے, اور آپ کو ریکارڈنگ کے دوران تاکہ کوئی دقت نہ ہو تو آپ کو فلور مینیجر کے طور پہ اپنا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کی ریکارڈنگ فیز میں ہوتا ہے. ریکارڈنگ میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے وہ تمام چیزیں جو ریہرس کی ہیں, جو آپ کے کریکٹرز ہیں, جو آپ کے آرٹسٹ ہیں, ان لوگوں نے جو کچھ یاد کیا, آج اس کو اچھی طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں, اور ان کو آپ نے تمام ریکارڈنگ کے دوران یہ کیا. اب جب آپ نے ریکارڈنگ کر لیا, آپ کو ایک پرٹیکولر فوٹیج مل گئی. فوٹیج مینس جو ریکارڈ آپ نے کیا ہے, جو آپ نے ریکارڈنگ کی وہ اس کو ہم فوٹیج کہتے ہیں. عام طور پہ یہ جو ہے نیوز میں استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ فوٹیج تھوڑی سی یا کچھ کلپس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو وہ کمپلیٹ آپ کے پاس ٹیپ پر بہت سارے ریکارڈ ہوتا ہے, اور آپ نے وہ ریکارڈنگ کر لی. اب ہم اس کے بعد جو پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے پوسٹ پروڈکشن فیز, اور لفظ سے ظاہر ہے کہ وہ پروڈکشن کے بعد کی فیز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف سینز ہیں, مختلف سیکوینسز ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے. اگر ٹاک شو ہے تو ٹاک شو میں بہت زیادہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایڈیٹنگ کے دوران بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے, لیکن ڈراموں میں ٹیکس اینڈ ری ٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ آپ کو ایڈیٹنگ کے دوران آپ کو فائنل, اور یہ آپ کا کام اسسٹنٹ ڈائریکٹر کرتا ہے کہ وہ کون کون سی فائنل ٹیکس ہیں وہ ساری نوٹ ڈاؤن بھی کر رہا ہوتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فلم میں جو ہے ہمارے پاس ایک کلپ بورڈ بھی استعمال ہوتا ہے, اسے کلیپ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر تمام ڈیٹیل ہوتی ہے, پروگرام کون سا ہے جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, یا فلم کون سی ہے جو ریکارڈ کی جا رہی ہے, اس کا سین کون سا ہے اور اس سین کی ٹیک کون سی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ پروڈیوسر, یا جیسے آپ بتایا میں نے آپ کو کہ وہ فلور مینیجر بھی ہو سکتا ہے, یہ تمام چیزیں اس کے نوٹ کرنے کی ہیں. تو وہ تمام چیزیں اب آپ آ گئے ہیں پوسٹ پروڈکشن فیز میں, اور اب آپ کا ٹیبل ورک یا جسے آپ کہہ لیں لیبورٹری ورک شروع ہو گیا. پہلے ہم نے لائبریری ورک اس کو کہہ دیا, ہم نے پروڈکشن کو ہم کہہ دیتے ہیں لیگ ورک, کیونکہ اس کے اندر آپ کا سارا فزیکل
جو ہے کام ہے. اور اب آخری جو فیز ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں آپ کا لیبورٹری ورک, اس کے اندر آپ نے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے. اچھا اب ایڈیٹنگ میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف وہ فوٹیج, وہ کلپس اور وہ ریکارڈنگ چاہیے جو آپ کے پروگرام کو خوبصورت بنائے. اس کے اندر آپ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, آپ سے کسی آرٹسٹ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, آپ پراپر ٹائم پر کیمرہ کٹ نہیں کر سکے ہیں, تو آپ کو وہاں پہ کہیں انسرٹ لگانا ہے, کہیں ایڈٹ لگانا ہے, تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ اپنی ایڈیٹنگ فیس میں یا پوسٹ پروڈکشن میں کرتے ہیں. اچھا اب ایڈیٹنگ کے بھی میں بتاتا چلوں آپ کو, دو میجر ہمارے پاس جو ہیں وہ سورسز ہیں, ذرائع ہیں. اس سے پہلے کیونکہ ہم ٹیپ پر کام کر رہے تھے اور ٹیپ کی ٹائپس ہیں وہ بھی ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم لینئر ایڈیٹنگ کیا کرتے تھے. آج کمپیوٹر کا دور ہے, ہمارے یہاں مختلف سافٹ ویئرز ہیں اور ان سافٹ ویئرز کے تھرو ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اور اس کو آپ نے سنا بھی ہوگا NLE, it stands for نان لینئر ایڈیٹنگ. تو آپ نان لینئر ایڈیٹنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پر اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کے تھرو, جب آپ وہ وی سی آر پر پلیئر پر کرتے ہیں کسی ٹیپ کی مدد سے, اور ان ٹیپس کو چنگ ٹیپس کہا جاتا ہے. وہ ٹیپس جس پہ آپ کی وہ فوٹیج ہے جو فائنل نہیں ہے, جو آپ نے بنانا ہے, تو چنکس سارے ہوتے ہیں. ایڈیٹنگ کے بعد جو آپ کے پاس فائنل ٹیپ بنتی ہے اس کو ماسٹر ٹیپ کہا جاتا ہے. اب چنکس کے اندر اب اگر آپ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پس پردہ آواز چاہیے, اس کی آپ آڈیو ریکارڈنگ علیحدہ کراتے ہیں. آپ کو ڈراما کے اندر میوزیکل افیکٹ چاہیے, آپ کو ساؤنڈ چاہیے, آپ نے مکسنگ کرنی ہے, وہ تمام کام آپ کا پوسٹ پروڈکشن میں ہوگا. آپ نے اس میں کوئی گرافکس ایڈ کرنے ہیں, وہ پوسٹ پروڈکشن میں ہوگا. آپ نے اس پروگرام کا, لازمی سی بات ہے جب آپ پروگرام بنا رہے ہیں تو اس پروگرام کا آپ کو ایک ٹائٹل تیار کرنا ہے, اور اس ٹائٹل کو آپ نے گرافکس میں کرنا ہے تیار. اور اس کے لیے آپ کو لینئر ایڈیٹنگ میں, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں لینئر اور نان لینئر میں, لینئر ایڈیٹنگ میں کیونکہ آپ نے ایک پرٹیکولر ٹائم فریم کرنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ اگر آپ ایک آڈیو ٹیپ سن رہے ہیں, آپ ایک کیسٹ پلیئر پر ایک کیسٹ سن رہے ہیں اور آپ کو چوتھا گانا سننا ہے, تو آپ کو وہ چوتھے گانے تک پہنچنے کے لیے آپ کو تین گانے فارورڈ کرنے پڑیں گے, تبھی آپ چوتھے گانے پر پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک پرٹیکولر لینئر ڈسٹینس جو ہے وہ طے کرنا ہے. جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ سی ڈی پر کچھ سن رہے ہیں, سی ڈی ڈی وی ڈی جو بھی آپ کمپیوٹر میں یوز کر رہے ہیں وہ نان لینئر ہے, مینس دیٹ از آن سنگل کلک. آپ کے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے, اس ڈیٹا میں سنگل کلک سے آپ کو کوئی ڈسٹینس ٹریول نہیں کرنا پڑ رہا. آپ کو دسویں گانے تک پہنچنے کے لیے پہلے نو گانے ریوائنڈ یا فارورڈ نہیں کرنے پڑ رہے, تو اس لیے کیونکہ اس میں آپ نے ایک پرٹیکولر ٹائم, وہ ٹائم بارڈ ہے, ٹائم اس میں ایک مجبوری ہے کہ جب تک آپ اسے فارورڈ یا ریوائنڈ نہیں کریں گے آپ اس پرٹیکولر پوائنٹ پر نہیں پہنچ سکتے. جیسے میں آپ کو ایک کام کیسٹ پلیئر کی ایگزامپل دے رہا ہوں, یا وی ایچ ایس ویڈیو کیسٹ کی بات ہم کر لیتے ہیں, کہ اس کے اندر بھی آپ نے اگر کوئی پرٹیکولر سین جو ہے وہ آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی طرح ریوائنڈ اسی طرح فارورڈ کر کے دیکھنا پڑے گا. جبکہ کمپیوٹر کے اندر کیونکہ آپ کے پاس ڈسٹینس جو ہے وہ ایک لحاظ سے مائنس ہو جاتا ہے اور ایوری تھنگ از یور سنگل کلک, آپ کسی بھی پرٹیکولر ویڈیو پر کسی بھی پرٹیکولر آڈیو پر آپ پہنچنے کے لیے آپ کو ایک لینئر ڈسٹینس طے نہیں کرنا پڑتا. تو یہی ڈفرینس ہے لینئر اور نان لینئر میں. اور جو لینئر ایڈیٹنگ کے دوران آپ کو ٹائٹل پہلے بنانا ہے, نان لینئر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے آپ ٹائٹل موقع پہ نہیں بنا سکے, آپ کا گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھا, آپ نے ایڈیٹنگ شروع کرا دی, ایڈیٹنگ آپ کی شروع ہوگی, آپ ادھر سے گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ آپ کو ٹائٹل بنا رہا ہے, آپ نے وہ ٹائٹل اٹھانا ہے اور NLE میں اس پروگرام جو آپ نے ایڈٹ کیا ہے اس کے اسٹارٹ میں جا کے آپ نے اسے پیچ کر دینا ہے, پلیس کر دینا ہے. جبکہ لینئر میں آپ کو ٹائٹل پہلے چاہیے. اگر آپ ایڈیٹنگ کے لیے پہنچے ہیں اور آپ نے ٹائٹل نہیں بنایا تو آپ کا ایڈیٹر آپ کو سب سے پہلے یہی کہے گا کہ جی پہلے اس کا آپ ٹائٹل لائیے تاکہ اس کے بعد ہم ایڈیٹنگ شروع کریں, اور اس میں پھر آپ کو ٹائم مینجمنٹ رکھنی پڑتی ہے. اگر آپ نے ایک 25 منٹ کا پروگرام بنانا ہے تو آپ کو شروع سے لے کر چلنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پروگرام اوور ہو جائے 27 منٹ کا بن جائے تو پھر آپ کو اس کی ایڈیٹنگ میں دقت ہوگی. NLE میں یہ پرابلم نہیں ہے. NLE میں ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک پروگرام آپ نے تیار کیا, وہ بنا, وہ 27 منٹ کا بن گیا, اس میں آپ نے آپ کے پاس تمام فوٹیج اویلیبل ہے, تمام کلپس جو آپ نے جوڑے ہیں, جہاں ایڈٹس لگائے ہیں, جو انسرٹس لگائے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں, اور اس میں آپ نے کیا کیا کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی چیز
जो है सुपरफ्लूस नजर आई, कुछ चीज फालतू नजर आई, कुछ ऐसी थी जिसको निकाल देने से उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो चीजें आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली और आपने उसका ड्यूरेशन जो है वो मिनिमाइज कर दिया, या पर्टिकुलर जो आपको स्टिपुलेटेड टाइम चाहिए था वो आपने उसमें ले लिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पोस्ट प्रोडक्शन में, लीनियर एडिटिंग में और नॉन लीनियर एडिटिंग में। उसके बाद ये तमाम काम कौन कर रहा है, स्क्रीन पर कौन आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिहाइंड द कैमरा है, इस वक्त भी बिहाइंड द कैमरा कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनके नाम या उनके क्रेडिट्स, क्योंकि जब भी कोई काम कोई शख्स कर रहा है तो उसको क्रेडिट देना जरूरी है। तो इसी तरह जहां टाइटल आपका ग्राफिक्स में तैयार होता है, वहां हर प्रोग्राम के बाद में आपको बेतहाशा नाम नजर आते हैं, वो उन लोगों के हैं जो कुछ लोग तो आपने स्क्रीन पर देख लिए जो थे और जो बहुत थोड़े थे, जबकि उनको स्क्रीन पर लाने का जो मौजूद बनते हैं वो लोग उनसे कहीं ज्यादा है, तो उन लोगों के नाम एंड क्रेडिट्स पे। तो ये काम भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर में आपको एंड क्रेडिट्स भी पहले तैयार करा के रखने, एडिटिंग के फौरन बाद आपने एंड क्रेडिट्स रखने, इनको हम एंड क्रेडिट्स भी कह देते हैं, हम इन्हें क्लोजिंग कार्ड्स भी कह देते हैं, क्योंकि वो एंड पर चलने होते हैं और उसमें वो तमाम चीजें भी शामिल हो जाती हैं कि वो किस प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है किसी चैनल का, उसने वो प्रोग्राम बनाया, उसमें शामिल है कि डायरेक्टर का नाम क्या है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है वो कौन था, उसमें प्रोड्यूसर कौन था, उसमें बैकग्राउंड वाइज किसकी इस्तेमाल हुई है, स्क्रिप्ट किसने लिखा, रिसर्चर का नाम आपका है, एंकर्स का नाम है, आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका नाम है, फिर कैमरामैन कौन कौन थे, लाइटिंग डायरेक्टर कौन कौन थे, उसमें ऑडियो कंट्रोल किसका था, मिक्सिंग अगर हुई है स्विचर पर कौन मौजूद था, किसने जो है उस तमाम पर्टिकुलर सीन को रिकॉर्ड किया, उसमें उसके बाद अगर मिक्सिंग हुई है उसमें साउंड इफेक्ट्स डाले गए हैं तो ऑडियो मिक्सिंग किसने की है, तो वो तमाम जो जो जिस शख्स ने काम किया है उस पर्टिकुलर आदमी का नाम मेंशन करना एज ए टोकन ऑफ हिज सर्विसेज, तो वो आपको आखिर में देना पड़ता है। तो ये आपकी पोस्ट प्रोडक्शन फेज है जिसमें आप देखते हैं कि आपने किस तरह प्रोग्राम तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये तमाम चीजें थी जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, और आप इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स ये चीजें, आज तो हमने उनका सिर्फ जो है तायराना उन पर नजर डाली, इट वाज जस्ट अ बर्ड्स आई व्यू कि टीवी प्रोडक्शन है क्या, उसकी बुनियादी तरतीब क्या है, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आज के लेक्चर में भी जो है कुछ चीजें इस्तेमाल की हैं, आपको स्विचर कलर्स बताया गया, पैनल, आपको इन तमाम चीजों का आपको ना सिर्फ डिटेल में बताया जाएगा बल्कि इनको ये आपको दिखाए भी जाएंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सिर्फ एक नाम की एक इस्तेलाह की हद तक ना हो, जबकि वो आपने फिजिकली देख भी रखा हो, आपको मालूम होना चाहिए कि ऑडियो किस तरह कंट्रोल करनी है, लाइट, तो ये तमाम चीजें हम सबसिक्वेंट लेक्चर्स में करेंगे। आज हम बढ़ते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ। जो हमारा पहला लेक्चर है वो है क्रिएटिविटी। प्रोडक्शन इज अ क्रिएटिव जॉब, क्रिएटिंग एन आइडिया। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्रिएटिविटी पर और ये कि कोई नई चीज कैसे तख्लीक की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी एक बहुत, जहां ये क्रिएटिविटी है यहां क्रिटिकल भी है। कोई नई चीज लाना, कोई नई चीज इजाद करना तो शायद मुश्किल है, इन्वेंट करना जिसे हम कहते हैं, कुछ चीज डिस्कवर करना और डिस्कवर करके उसको बाकी लोगों तक पहुंचाना। तो आप को मैं बताता चलूं, ये चीज आप भी देखते होंगे कि क्रिएटिव आदमी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले जो है, ही शुड बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। वो देखता हो, वो आंख रखता हो, उसकी एक नजर हो और वो देखे हाल उसके दाएं बाएं क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चीज हो रहा है, उसकी नजर बड़ी क्रिटिकल होनी चाहिए। अगर वो क्रिटिकल है तो वो क्रिएटिव भी होगा। उसको मुतालिया चाहिए, वो पढ़े कि बुक्स क्या कहती हैं, वो फिर मुशाहिदा करे, उसके बाद वो तजुर्बा करे। तो ये तमाम चीजें, जिसमें कुछ चीजें आपको साइंटिफिक मालूम हो रही होंगी, क्योंकि साइंस भी इसी तरह एक मफूजे से जन्म लेती है, और जैसे आप कह सकते हैं कि रिसर्च या तहकीक जो है वो एक मफरूजे से यकीन तक का सफर है। आप एक हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं और आखिर में आप एक थीरी पेश करते हैं। तो ये तमाम चीजें, तो इसी तरह जब एक प्रोड्यूसर, एक क्रिएटिव डायरेक्टर, वो सबसे पहले उसका जो बेसिक काम है वो है सोचना। इम्प्लीमेंटेशन बात की बात है, उसको दोबारा निखारना उस आइडिया को वो बात की बात है।
तो बुनियादी तौर पर एक डायरेक्टर होने के नाते, एक प्रोड्यूसर होने के नाते और एक इंसान होने के नाते ये एक फितरी सी बात है कि इंसान अपने दाएं बाएं देखता है। एक बच्चा भी जब दुनिया में आता है, शऊर की मंजिलें तय करता है, तो वो आता है, उसका मुशाहिदा बढ़ता है, मुशाहिदा बढ़ता है तो उसके बाद उसके जहन में सवालात पैदा होते हैं। सवालात आपको पता है क्यों, और सवाल जो है ये एक इसकी बहुत अहमियत है। जब इंसान सोचता है तो उसे वो उस पर कॉन्टम्पलेशन करता है, मेडिटेशन करता है, उसके बारे में लोगों से कंसल्ट करता है, कहीं पे जाके वो मुजाकरा करता है, कहीं पे जाके मुबाहिसा करता है, वो लोगों से मिलता है। लोगों से मिलने के बाद उसे, जैसे कहा जाता है कि अगर आप किसी आलिम के पास बैठते हैं, किसी इल्म वाले इल्म दोस्त के पास बैठते हैं, किसी दानिश्वर के पास बैठते हैं, तो वो सैकड़ों किताबें पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि वो उस शख्स की राय है, वो साहिब राय शख्स है, और उसकी जो राय है, उसका जो एक विजन है, उसका तजुर्बा है, उसने मुताले भी किया, तो वो आपको वो तमाम चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। वरना किताबें तो सैकड़ों बल्कि हजारों बल्कि लाखों किताबें ऐसी हैं जो पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनसे इस्तफादा करना एक शख्स का काम नहीं है, वो शायद आपकी उम्र बीत जाए और किताबें खत्म ना हो। तो इस वजह से आपको जो आपके सीनियर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपको हर तरफ से कुछ ना कुछ मिलता है। मैं इसमें थोड़ा सा ये भी आपको बताता चलूं, ये सारा मरहला सोशलाइजेशन का है। इंसान लर्न कैसे करता है, वो सोशलाइजेशन से करता है। बेसिकली एरिस्टोटल ने कहा था कि जी मैन इज सोशल एनिमल, कि इंसान एक ऐसा एक समाजी जानवर है जिसकी स्पीशीज क्या है, वो तो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ही कैन कम्युनिकेट, सबसे बड़ी बात है। आपका बोलना, आपका सोचना, आपका समझना, अकल आपको में होना और उसका इस्तेमाल करना, ये इंसान का पूरा इम्तियाज है। शायद इसी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात भी करा दी। तो हम बात कर रहे थे क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिव आदमी के लिए मुशाहिदा उसका यूं समझे कि फर्ज अवलीन है, उसने उसका मुशाहिदा बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी इन डेप्थ स्टडी एक तरफ होनी चाहिए और उसका जो है वास्ट एक्सपीरियंस हो, वो चीजों को परखे क्रिटिकल तनकीदी नजर से और उनका तकाबला करे, जो चीज उसने देखी है, जो चीज उसने पढ़ी है, उसका कंपैरिजन करे और उसमें से कोई नई चीज निकाले। तो आप एक रिसर्च करने जा रहे हैं, आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, आप वो माहौलियात पर हो सकती है, वो आपके जो है पॉल्यूशन पर हो सकती है, वो आपके एजुकेशन पर हो सकती है, वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में हो सकती है, वो ह्यूमन बिहेवियर में हो सकती है, या आप एक ऐसी भी रिसर्च करना चाह रहे हैं कि मीडिया क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उसके लिए भी आपको एक नई चीज सोचनी है। बीइंग क्रिएटिव इज द फर्स्ट थिंग। तो उसमें आप क्या है, एक नया ख्याल सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपको दो मुख्तलिफ चीजें आपको नजर आ रही होती हैं और आप उसको फिर एनालाइज करते हैं और वही चीजें आप अपने प्रोग्राम में भी दिखाना चाहते हैं। लोगों का इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा जब आप उन्हें नई चीज दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक इनफ्लक्स है। आप अगर देखें कि आप भी जब टीवी के सामने बैठते हैं, एक आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है और आपका अटेंशन स्पैन जो माजी में 50 मिनट भी था, कि 50 मिनट आप एक प्ले देख रहे हैं, आपके पास चॉइसेस भी नहीं थी ज्यादा, लेकिन आज के दौर में अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो गया है। और ये भी कहा जाता है कि आपके जो अटेंशन स्पैन है कुछ चीज सुनने का है, वो 45 सेकेंड भी है, कि 45 सेकेंड के बाद अगर आपको कोई नई चीज सुनने को नहीं मिल रही है तो शायद आपकी अटेंशन डिविएट हो जाए, वहां से बदल जाए। इसी तरह हमारी जो नजर है, हम जो देखते हैं, उसमें भी हमें वेरिएशन चाहिए, उसमें भी हमें वैरायटी चाहिए। और ये तमाम चीजें जो हैं, वो सब की सब आपका क्या है, क्रिएटिव और क्रिटिकल होने के नाते आपको ऑब्जर्व करना पड़ती है। तो अब हम इसमें बताते चले कि क्रिएटिव आदमी जब एक नया ख्याल सोच रहा है, उसको फिर वो दामे तहरीर में ला रहा है, उसे लिख रहा है। सबसे पहले आपको, जैसे पहले मैंने बताया कि बुक थी, तस्वीर थी और उसके बाद टीवी आया, इसी तरह इसका काम भी कुछ इसी तरह चलता है कि पहले आपने मुशाहिदा किया, आपने कुछ चीजें देखी, उसके बाद आपने उन्हें लिखा, लिखने के बाद आपने एक फ्लो चार्ट बनाया और उसके मुताबिक आप प्रोडक्शन की तरफ बढ़े। तो क्रिएटिव आदमी के लिए जो बेसिक प्रीरिक्विजिट मैंने आपको पहले भी बताए हैं, वो जरूरी है। आप अपने आसपास के माहौल पर नजर रखें। आज के लेक्चर का जो मैं आपको समझूंगा कि जिस्ट है या जो इसका खुलासा है, आज के लेक्चर में आपने क्या सोचना है कि आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल पर, आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, आप
ایک میس کمیونیکیشن کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. آپ کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, آپ کو کان کھلے رکھنے چاہیے, آپ کی جو زبان ہے, کیونکہ آپ نے ہی کل کو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرنی ہے اور آپ نے ہی لوگوں تک پہنچانا ہے کہ سچ کیا ہے. تو آج کے لیکچر کا خلاصہ یا جسے آپ کہہ لیں فوڈ فار تھاٹ, کہ آپ نے کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ریسرچر, ایز اے آبزرور, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے. نئے موضوعات تلاش کرنا ایک مشکل کام ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ نیا لکھنا, نیا شعر کہنا, نیا مضمون کہنا, وہ ایک مشکل کام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے ٹی وی چینلز پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے, آپ ریموٹ اٹھاتے ہیں اور بار بار چینل سوائپ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں, آپ کو کوئی چیز اپنے مطلب کی نہیں مل رہی ہے, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کریٹیوٹی ختم ہو گئی ہے؟ کوئی نئی چیز اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں ہے. تو یو بی دا ون, یو بی دا فرسٹ ڈراپ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پسند کی چیز آپ کو کسی چینل پر نظر نہیں آ رہی ہے, تو آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ میس کمیونیکیشن کے ایک طالب علم ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ کام جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ آپ خود کیوں نہیں شروع کرتے. آپ یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, اس سبجیکٹ کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے نئے چینلز اس وقت ابھر رہے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ مشروم گروتھ ہے ہمارے ہاں. مشروم جیسے بارش کے بعد آپ دیکھتے ہیں مشرومز اگاتی ہیں, اس وقت میڈیا بوم ہے, میڈیا بوم, اور آپ کے پاس بہت سارے چینلز ہیں. تو اس سبجیکٹ کی افادیت یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد مارکیٹ آپ کے لیے اوپن ہے. ہمارے یہاں دھڑا دھڑ چینلز آ رہے ہیں, ایف ایم ریڈیو سٹارٹ ہو رہے ہیں, اخبارات بڑھ رہے ہیں, اردو انگریزی اخبارات, میگزینز آ رہے ہیں. پہلے جنرل میگزین ہوتے تھے, لیکن اب اسپیسیفائڈ میگزین, آپ کو ہر پرٹیکولر ٹاپک کے پر, ہر پروفیشن پر آپ کو ایک سیپریٹ اسپیسیفک میگزین مل رہا ہے. تو اس جو ہمارا جو سبجیکٹ ہے ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن, اس کی بہت زیادہ مارکیٹ ویلیو ہے, اور آپ کل کو چینلز پر جا کر اور مختلف جگہوں پر جا کر آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. آپ پہلے تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں, جیسے ہم نے آج کے لیکچر میں بات کی کہ آپ کی پروپینسٹی, آپ کا ملان, آپ کی طبیعت کس جانب ہے. آپ ایک کریٹیکل ہیں تو آپ فرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں, آپ انکیوزیٹو ہیں نئی چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیوز ڈپارٹمنٹ کی طرف توجہ دیں, آپ کا تھوڑا سا لگاؤ میوزک کی طرف ہے تو آپ ایک اچھے میوزک پروڈیوسر بن سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے اوریٹر ہیں, آپ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں, اچھی بات کر سکتے ہیں, تو آپ کمپیئرنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. آپ ایک جو ہے اپنا پروگرام جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے آپ کمپیئر خود بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں. تو یہ تمام شعبے ہیں. پھر اگر آپ کو بچوں کے پروگرام بنانے کا شوق ہے تو چلڈرن جو ہے شوز آپ کے لیے اوپن ہے. جو ہماری فیمل اسٹوڈینٹس ہیں وہ اپنی جینڈر کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے ان کے ایشوز پر بات کر سکتی ہیں. خواتین کے پروگرام آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور شاید آپ اچھے پروگرام پروڈیوس کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت خواتین کے جتنے بھی پروگرامس ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے بریک فاسٹ شوز چل رہے ہیں صبح صبح, آپ جب آپ چینل دیکھتے ہیں تو تمام پر زیادہ تر آپ کو بریک فاسٹ شوز میں خواتین ہی نظر آتی ہیں. تو وہ تمام جو ہورائزنس ہیں وہ آپ کے لیے اوپن ہیں. اٹ از یور اسٹرینتھ, اٹ از یور کریج, یہ آپ کی محنت ہے, یہ آپ کا جذبہ ہے کہ آپ کس پرٹیکولر شعبے میں جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں اور جانے سے پہلے کرتا چلوں کہ آپ نے پہلے کریئر سلیکشن کرنا ہے کہ آپ کس پرٹیکولر شعبے میں آپ اپنے آپ کو بہتر, پہلے تو اپنا سیلف انالیسس کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں, آپ جانیں اپنے بارے میں, لوگوں سے پوچھیں کہ جی آپ بتائیے کہ میرے لیے کون سا شعبہ بہتر ہے, کیونکہ غلط کریئر سلیکشن کی وجہ سے آپ شاید اس کریئر میں آپ کی گروتھ نہ ہو. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے تین سٹیجز ہیں, ایک کریئر سلیکشن ہے کہ آپ نے کریئر سلیکٹ کرنا ہے, اس کے بعد کریئر گروتھ ہے, لیکن درمیان میں کبھی کبھی کریئر چینج کی بات بھی آ جاتی ہے کہ آپ کو پتا لگتا ہے کہ جی او یہ جو کام میں کرنے جا رہا تھا شاید یہ میرے کرنے کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دینا چاہوں گا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ایف ایس سی کی, ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ اس نے رکھی, اور پری انجینئرنگ کے بعد جب اس کا انجینئرنگ یونیورسٹی کا میرٹ نہیں بن سکا اس نے بی کام کر لیا, ٹھیک ہے جی. بی کام کرنے کے بعد اسے خیال ہے کہ نہیں کامرس کا تو شاید اتنا اسکوپ نہیں ہے, تو اس نے لا کر لیا اور اس کے بعد پریکٹس شروع کر لی. تو اس قسم کی چیزیں آپ نے اپنے کریئر اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس پہ برین اسٹارمنگ کرنی ہے. یو کین ہیو تھاٹ پرووکنگ سیشنز وتھ یور ٹیچرز, وتھ یور پیرنٹس, وتھ یور ایلڈرز, اینڈ یو کین ٹاک ٹو دیم, یو کین جسٹ ڈیسائڈ وٹ ٹو ڈو. سو دس از فوڈ فار تھاٹ فار ٹوڈیز لیکچر, کہ آپ
अपने इर्द गिर्द के माहौल पर जो है बड़ी गहरी नजर रखें, आप मुशाहिदा करें और उसके बाद देखें कि क्या नया है जो आप बना सकते हैं, क्या नया है जो आप नाज़रीन के सामने पेश कर सकते हैं, वो किसी भी शोबे में हो सकता है जिनको हमने डिस्कस किया। तो ये तमाम चीजें थी जो आज के लेक्चर में थी और ओवरऑल जो जो सिलेबस के हवाले से थी। तो अगले लेक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे कि क्रिएटिव डायरेक्टर होना उसके क्या क्या बुनियादी जरूरियात हैं और उसके लिए क्या क्या चीजें आपको करना पड़ती हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए उज़ैर अहमद, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।